ऐसा था कि हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सैलरी हमने अभी रिलीज़ कर दी है उनकी। एक्चुअली पहले हमें थोड़ा पीछे से पैसा नहीं था, जिस दिन पैसा आया और हमने सरकार से मांगा और जैसे ही मांगा हमें मिल गया, और जब भी मिला हमें उसी समय 3 महीने की सैलरी जो आउटसोर्स एजेंसी होती है उनको शिफ्ट कर दी है। ये कम से कम मेरे ख्याल 4-5 दिन हो गए हैं, तो अभी तक उनको सैलरी उनके अकाउंट में सब आउटसोर्सिंग एम्प्लाइज के अकाउंट में आ गई होगी। और जबकि जो जनवरी और फरवरी के उसके भी हम बिल बना रहे हैं, बट जैसे हमें आउटसोर्स वालों से कुछ जो एम्प्लाइज से शिकायतें आई थी कि उनके EPF अकाउंट में और दूसरे अकाउंट्स में पैसे नहीं डाले गए हैं, तो वो हमने एक अंडरटेकिंग ले ली है आउटसोर्सिंग एजेंसी से कि वो जल्दी से उनके अकाउंट्स में डालेंगे। उनकी जिसकी भी पेंडिंग EPF है, जैसे प्रोविडेंट फंड है या पेंडिंग कोई सैलरी है, वो डालेंगे, और साथ में हम ये वाली सैलरी भी जनवरी और फरवरी वाली भी उनके अकाउंट में डाल देंगे। फिलहाल हमें 3 महीने की उनके अकाउंट्स में डाल देंगे। मेडिकल कॉलेज में हमारे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जो कि मेरा ही डिपार्टमेंट है, वही डिपार्टमेंट मैं हेड कर रहा हूँ। उसमें हमने MD शुरू कर दी है, और MD हमारे मेडिसिन में हर साल हर 6 महीने बाद 2 MD तैयार होंगे। अभी तक हमारे पास 4 MD हैं जो ट्रेनिंग में हैं, नेक्स्ट ईयर दो निकल जाएंगे, 2 की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हर 6 महीने बाद हमारे पास 2 कैंडिडेट आएंगे जो कि MD करेंगे, और यहीं से हम स्टूडेंट्स को MD करवा के आगे भेजेंगे, और हमारे यहाँ कभी ख़त्म होगी। अब मेरी कोशिश है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हम MD शुरू करें, और जो कि जल्दी ही हम बाकी डिपार्टमेंट में भी शुरू कर देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें यहाँ पे फैकल्टी की बहुत शॉर्टेज है। जैसे क्लिनिकल फैकल्टी हमारी 60% के कम से ज़्यादा शॉर्टेज है हमें क्लिनिकल फैकल्टी में। नॉन क्लिनिकल में भी काफ़ी शॉर्टेज है, लेकिन जो क्लिनिकल, जैसे जो हॉस्पिटल में भी काम करते हैं जो डॉक्टर्स और जिनको पढ़ाना भी पड़ता है, उनकी शॉर्टेज बड़ी एक्यूट शॉर्टेज है। ये गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है टाइम टाइम पे। वो हमें जैसे SRs हमारे सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, उनकी हमारी अब शॉर्टेज काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रयासों से, और यहाँ के लिए अलग रूल होने थोड़े से बनाए चंबा के लिए, और अब हमें जो MD लेवल, जो बेसिक जो SR लेवल पे होते हैं, जो जस्ट आफ्टर MD करके आते हैं, उसकी शॉर्टेज हमारी काफ़ी कम हो गई है। अब हमारे सीनियर फैकल्टी की शॉर्टेज रह गई है, जो कि अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट के ध्यान में हमने भी लाया, और ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी भी हमारी MCM इंस्पेक्शन हुई है, और बड़ी वो कामयाब इंस्पेक्शन रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी इस बार। और अगर रिकॉग्निशन मिल जाती है, और साथ में जैसे अगर थोड़ी देर में हम वहाँ नए कैंपस में शिफ्ट होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, और जिस हिसाब से सरकार पूरे प्रयास कर रही है, हमें लगता है कि जल्दी ये भी शॉर्टेज हमारी पूरी हो जाएगी। और जब एक बार शॉर्टेज पूरी हो गई, तो मुझे लगता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन भी लगभग जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं टांडा, शिमला और मंडी, हमीरपुर, उनकी तरह हमारा भी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। MCA की यूजुअली इंस्पेक्शन होती है जब हमारा पहला बैच जब फाइनल ईयर एग्ज़ाम देता है, तो NMC अब कहते हैं उसको, NMC रिकॉग्निशन के लिए आती है, और उससे पहले हमारा कॉलेज परमिटेड होता है। अभी भी हमारा कॉलेज परमिटेड है, जब वो NMC जब उसको जब स्टूडेंट के एग्ज़ाम फाइनल ईयर होते हैं, उस समय वो हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस चेक करते हैं, जो कि इस बार भी हुआ, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और उन्होंने बड़ा हमें अप्रिशिएट किया। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें उसके बेस पे इस बार रिकॉग्निशन मिल जाएगी, अगर हमारा कॉलेज रिकॉग्नाइज हो गया, क्योंकि अभी तक परमिटेड था, तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि ये पिछले साल हमारा ड्यू था, लेकिन पिछले साल किसी कारणवश NMC हमारे पास हमारे टाइम नहीं आ सकी, यहाँ हमारे कॉलेज में नहीं आ सकी। इस बार NMC आई, और उन्होंने हमारे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो पूरा उन्होंने चेक किया, और वो बड़े सेटिस्फाइड रहे कि हमारा एग्जामिनेशन प्रोसेस बड़ा अच्छा रहा। तो हमें गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिली है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी हेल्प मिली है, तो मोस्ट प्रॉबली हमें रिकॉग्निशन अभी मिल जाएगी, जो कि हमें वी आर वेटिंग दैट, शायद थोड़ी देर में हमें मिल जाएगी।